हूँ गामित अभाई और आप देख रहे हो YouTube चैनल गामित अभाई व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं गौमुख टेम्पल और अभी टाइम हुआ है 6:45 PM एंड आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा वीडियो देखते रहो और ये हमारी टीम है और टीम के साथ जाते हैं गौमुख और एक्सप्लोर करेंगे गौमुख टेम्पल। जैसे ही आप सोनगढ़ से गौमुख की तरफ जाओगे पूरा रास्ता नेचर ब्यूटी से भरा रास्ता है और हर तरफ आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी। फाइनली हम गौमुख पहुंच गए। तो अभी हम गौमुख में आ गए हैं लेकिन अभी रात हो गई है तो सब अपने अपने घर से टिफिन लेके आए थे। तो ये यहाँ पे डिनर पे बैठे हैं, ये देखो लो, ये देखो ये विकेश भाई है, ये वही तरुण भाई, ये अरुण भाई है, बस ये मीर भाई और ये सूरज भाई है, इधर ये गोटू भाई है, ये मनीष भाई, ये सावन भाई है, ये सब देखो ये टिफिन लेके आए थे, अभी डिनर पे बैठे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के क्लिप में। अभी रात के 11 बजे हैं और सावन का महीना चल रहा है तो अलग अलग गाँवों से भजन मंडली आई हुई है। तो चलो हम भी थोड़ा भजन कीर्तन का आनंद लेते हैं। दोस्तों गौमुख के आसपास का एरिया पूरा जंगल एरिया है और आप देख सकते हो कि कितना सन्नाटा है। और गौमुख सूरत से 100 किमी और सोनगढ़ से 25 किमी गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर के बीच आया हुआ एक ब्यूटीफुल प्लेस है। तो दोस्तों सुबह के बजे हैं 5 और अब हम जाएंगे भोलेनाथ के दर्शन करने। गौमुख मंदिर बहुत पौराणिक मंदिर है और सावन के महीने में यहाँ पे बहुत भक्तों की भीड़ रहती है। दोस्तों यहाँ पे आपको दो रास्ते दिखेंगे और एक रास्ता रहता है गौमुख की ओर और दूसरा रास्ता वाटरफॉल की ओर। तो हम जाएंगे, पहले हम जाएंगे गौमुख की ओर। बता देते
है ना तमाम। गौमुख यहाँ पे पूरे साल पानी बहता रहता है और गौमुख के नीचे कुंड बनाया है। ये गौमुख से जो पानी बह रहा है नीचे जाके 3-4 झरने हैं, वो सब का पानी इकट्ठा होके नदी बनती है, तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। अब हम जाएंगे वाटरफॉल की तरफ। गौमुख के पूरे एरिया में बंदर बहुत है तो संभाल के रहना पड़ेगा। गौमुख के टेम्पल से कुछ सीढ़ियाँ नीचे की तरफ आते हो तो वहाँ पे बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है। गौमुख के बारे में मैंने ऐसा सुना है कि गौमुख का मंदिर है वो गुजरात में है और वाटरफॉल महाराष्ट्र में है। दोस्तों ये वाटरफॉल मानसून के सीजन में बहुत ज़बरदस्त लगता है और बाकी के सीजन में ये सूखा पड़ जाता है। गौमुख का एरिया जंगल के बीचों बीच आया ये प्लेस है और पिकनिक के लिए बहुत लोग आते हैं क्योंकि ये एक ब्यूटीफुल प्लेस है। आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आओगे तो और मज़ा आएगा। मॉनसून के लिए ये प्लेस मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया है। गौमुख में बहुत सारे छोटे मोटे मंदिर है और ये एक पवित्र प्लेस है। उसके साथ साथ ये नेचर ब्यूटी से भरा आपको जंगल, पहाड़ी और झरने देखने को मिलेंगे। इसमें बोल दे थोड़ा थोड़ा, बोलो बोलो कुछ तो बोलो। चल चल आने वाले हैं आप लोग। अभी कहाँ जाने वाले हैं हम? जाने वाले हैं अभी धारेश्वर। तो दोस्तों हमने गौमुख का दर्शन कर लिया है और हम जाने वाले हैं धारेश्वर। तो ऐसे ही नए नए प्लेस को देखने के लिए जुड़े रहिए गामित भाई व्लॉग के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नए व्लॉग में नए प्लेस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। We'll be right back.
दोस्तों, ऐसे ही नए नए प्लेस को देखने के लिए जुड़े रहिए गामित भाई व्लॉग के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नए व्लॉग में नए प्लेस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।